पाठ में हम लोग पढ़े थे समुच्चय किसे कहते हैं और पढ़े थे समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, दो बातें पढ़े थे। और आज हमको पढ़ना है टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। क्या पढ़ना पहले बच्चों? समुच्चयों के प्रकार में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। समुच्चयों के प्रकार में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला पढ़े थे एकल सिंगलेटन सेट, इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय कहते किसको है? वैसे समुच्चय जिसमें केवल एक और एक ही अवयव हो, जिसमें केवल एक और एक ही अवयव या सदस्य, वैसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे एक कोई समुच्चय है तो इसका जो मेंबर होगा वह एक ही होगा, एक ही अवयव होगा इसमें। वैसे समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव हो, वैसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिंगलेटन सेट। या आप इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, बी बराबर एक, ऐसा भी लिख सकते हैं। दो नंबर में इसी को एक और एग्जांपल के माध्यम से समझिए, 5, 8 दो सदस्य है, वैसे समुच्चय जिसमें अवयवों या सदस्यों की संख्या केवल दो हो तो उसको कहेंगे युग्म। वैसे समुच्चय जिसके सदस्यों या अवयवों की गिनती की जा सकती है, वैसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। इसका भी एक एग्जांपल आप समझिए, मान के चलिए 100 तक है या 1000 तक है, तो इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं 1000 तक, या कुछ भी अंत में यदि अंक दे देगा तो वहां तक हम गिन के पता कर लेंगे कि इतना समुच्चय है। लेकिन यदि अपरिमित समुच्चय, 4 नंबर में हम लोग को पढ़ना है अपरिमित समुच्चय। प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? Yes, कोई दिक्कत? Yes, तो वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती हम आसानी से नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं है कि नहीं, कर सकते हैं। अब आपका क्या नाम है, डोली जी का बाल मुड़ देंगे और सब बाल को एक एक करके गिनेंगे, 2-3 साल लग जाएगा, तब तक में हिसाब कहाँ से कहाँ चला जाएगा, नहीं गिनते गिनते मैट्रिक से इंटरव्यू ये सब कर लेंगे, कहीं उधर से हवा का झोंका आया, कहीं एक आध को उड़ गया, फिर गलती ये हो जाएगा। चलिए, तो कह रहे बच्चों अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं? वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती आसानी से कर सकते हैं। अच्छा चलो, तुम ही लोग का बात नहीं, वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती आसानी से नहीं किया जा सकता है, उसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। इसके एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, कहां तक है इसका तो कोई पता नहीं है, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। या इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे हम लिखेंगे प्राचीन संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो कितना प्राकृत संख्या है जानते हैं? प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत है। सम संख्याओं की? अनंत है। दुनिया में कितना सम संख्या है? तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसको हम, इस तरह का जो समुच्चय होगा उसको हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। लिख समुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हो सकता है आपके किताब में दूसरा भी चीज होगा, समझ लीजिए कल तो बताए ही थे कि जिस तरह से हिंदी में पर्यायवाची होता है उसी तरह से अंग्रेजी में पर्यायवाची होता है। तो
नल से रिक समुचे, नाम से ही पता चलता है रिक खाली, रिक मीन्स खाली, वैसे समुचे जिसमें अवयवों की संख्या कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, बस समझ आ रहा है ना, वैसे समुचे जिसके अवयव जिसमें अवयवों की संख्या शून्य, अवयवों की संख्या शून्य हो, ना कि अवयव शून्य, शून्य रहेगा तो वह रिक समुचे नहीं होगा। अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होनी चाहिए। देखिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई समुचे इसमें एक भी अवयव नहीं है, नहीं ना, यह क्या हो गया, यह हो गया रिक्त समुचे। और रिक्त समुचे को या तो आप रिक्त समुचे यदि पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसको सूचित करने का एक तरीका है फाइव, या सिर्फ ब्रैकेट दे देंगे रिक्त समुचे को फाइव से, या खाली ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, तो यह रिक्त समुचे हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, तो बी रिक्त समुचे है नहीं है, ऐसा नहीं कि शून्य है तो रिक्त समुचे हो गया, ऐसा नहीं, शून्य भी एक अवयव हो गया, एक मेंबर है, जो खराब हो जाएगा दुख दुख करेगा वैसे यूट्यूब वाला तुरंत जो है ना नोटिस भेजेगा, हाँ क्या नोटिस भेजेगा, कॉपीराइट क्लेम लग गया आपके चैनल पे। इसको कहेंगे बिलोंग्स टू, इसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कहेंगे यूनियन, और इसको कहेंगे, और हम लोग इसके प्रयोग को देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका, फिर उस इसका, दोनों तीनों का करके आपको हम बगल में दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए ए कोई समुचे है और इसका मेंबर ए बी सी है, हमको बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करना है, तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ ए समुचे ए का अवयव है या सदस्य है, बी समुचे ए का अवयव है या सदस्य है, सी समुचे ए का अवयव है या सदस्य। अब इसी में यदि हम दे दें डी बिलोंग्स टू ए, तो क्या ऐसा कहना सही है, नहीं है, क्योंकि डी ए का सदस्य नहीं है, तो हम यहाँ पर बिलोंग्स टू को काट देंगे, और बिलोंग्स टू को काट देंगे तो वह डज नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा। इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए है ना ऐसा, तो हम लोग बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को एक ही सेट से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत, चलिए सेट है और इसका एलिमेंट्स है ए बी सी, बी कोई सेट है और उसका एलिमेंट्स है सी डी ई, हमको यूनियन का इस्तेमाल करना है, यानी हमको ए और बी सेट का यूनियन निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन आपका क्वेश्चन दे देगा, ए रहेगा बी रहेगा, आपको कहेगा ए यूनियन बी निकालिए, आपको कह देगा प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अभी हम लोग दो ठोक कर रहे हैं, तीन तीन वाला भी करेंगे, चार चार ए बी सी डी कुछ भी रहेगा, खट से दिमाग लगा देंगे हो जाएगा, टेंशन लेना लेने का नहीं है, टेंशन देने का, टेंशन देने की सिखाए ना आप लोग को, हाँ कोई अंकल जी मिले उसको खाली कह दो नमस्ते, भर रास्ते सोचते जाएगा मैं किसका बच्चा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ए यूनियन बी, प्यारे बच्चों ए यूनियन बी निकालना रहेगा, तो हमको करना क्या है, ध्यान दे इधर देखो ना कितना अच्छा मेकअप करते हैं बालू रंग क्या है कि तुम्हें लोग के चलते करते हैं, तो हमको कौन देखेगा, ए यूनियन बी। प्यारे बच्चों तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो क्या है ए बी और सी, फिर यूनियन का सिंबल है यूनियन डाल देंगे, फिर आप क्या करेंगे बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे सी डी और ई। आप लोग को बताए थे कि समूचे में खास करके
सारणी विधि में, टेबुलर मेथड में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो एक एलिमेंट्स को, एक अवयव को दो बार नहीं लिखते हैं। पहला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, पार्ट वन। अब इसमें देखिए, अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, उसी रूल का, उसी में जो बताए हैं सारणी विधि में कि दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, उसका यहाँ यूज कर देना। क्या, कैसे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब सी तो यहाँ है, यस सर, सी यहाँ पर पहले से है, तो हम एक अवयव को दोबारा तो नहीं लिखेंगे, नियम कहता है। तो यहाँ सी है और इससे सी इसमें डालना है तो नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे। डी और ई, यही आपका ए यूनियन बी निकालना रहेगा तो निकाल लीजिएगा। अब इसमें ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, तीन तीन ठो रहेगा, चार चार ठो रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे, तुरंत बन जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है प्यारे बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए बी सी इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे और बी में सी डी और ई। अब देखेंगे, देखिए इंटरसेक्शन में जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, इसमें भी हो उसमें भी हो, उसी को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पर आपका ए दोनों में है, नो सर, नहीं है, छोड़ दो, छोड़ देंगे उसको। बी है दोनों में, नो सर, उसको भी छोड़ देंगे। सी है दोनों में, सर, है, सर, है रे, है, लिख देंगे। इसमें एक के ठो है, कोनो कोनो में दो दो को रहेगा, तीन तीन को रहेगा। जो अवयव ए में भी हो और बी में भी हो उसको निकाल के अलग कर देंगे तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। तीन सेट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। प्यारे बच्चों, ए में है, ए बराबर है ए बी सी डी, बी बराबर है बी डी ई एफ और सी बराबर है सी डी ई एफ जी। अब इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है, देखिए आपको दे देगा एक नंबर में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और भी हो सकता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कल परसों तक कल बताए थे, नहीं समझ रहा खाता पीता नहीं है, नहीं खाता है ना, खाता तो हाथ ऐसे थोड़े करता, सब कच्चा बादाम खाया कर। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, पहला नंबर का सवाल बना रहे हैं, इसको निकालना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को बनाना है, ठीक, कोई दिक्कत, तो ब्रैकेट वाले को बनाएंगे तो हमको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, हमको पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आप लिखेंगे ए बी सी डी, क्या लिखेंगे ए बी सी डी। उसके बाद यूनियन है, यूनियन करेंगे डी बी डी ई एफ, बी डी हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए पहले इसको कर लेंगे, तो इसको मिला के लिखेंगे तो ए बी सी डी सी होगा, ए बी सी डी, बी है ये है, डी है ये है, ई और निकल गया, ए यूनियन बी निकल गया। अब हमको निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। प्यारे बच्चों ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो आपका निकला हुआ है, पहले से ऑलरेडी निकला हुआ है,
तो आप इसको ए यूनियन बी के जगह ये वाला लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, फिर इंटरसेक्शन डाल दीजिए। अब सी, सी आपको पता है सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी, अब दोनों में जो मिलता जुलता है उसको लिख दीजिए, क्या क्या मिलता जुलता है, सी उसके बाद डी ई एफ जी तो नहीं मिलता है, यही आपका आंसर हो गया। अब इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो, कोई दिक्कत, इसको भी बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसको बनाने के लिए पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन सी निकालना है, और दोनों जब निकल जाएगा तो फिर दोनों को इसलिए करके ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं।